गुड मॉर्निंग आपका दोस्त ना सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कंटेंट अगर आपको पसंद आए यानी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको मोबाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस एंड वीडियो को कर लीजिएगा तुरंत ही लाइक। मैंने हर रोज कोई ना कोई एक वीडियो डेली अपलोड करता रहा हूँ, यू नो आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि आज ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है, कल ये होगा, परसों ये होगा या नेक्स्ट मंथ में ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है। आपको पता होगा कि मोस्टली मोबाइल जो थे नवंबर में लॉन्च होने वाले थे लेकिन वो किसी रीजन से पोस्टपोन्ड हो गए और वो एक्सटेंड हो गए आगे के लिए, यानी कि वो जो मोबाइल है आप ये कह सकते हैं दिसंबर में या 2022 की स्टार्टिंग में यानी जैन के आसपास काफी सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जो कि बजट के अकॉर्डिंग मोबाइल हैं लॉन्च होने जा रहे हैं। हम डेटा कलेक्ट करते हैं काफी सारी वेबसाइट से एंड काफी सारी कंपनियों से कॉन्टेक्ट करके तब हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके लिए मोबाइल लेके आया हूँ वो जो मोबाइल है वो भी लॉन्च होने जा रहा है मोटो G71। 31 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, किसने नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं। 51 भी लॉन्च हो चुका है, अब 71 लॉन्च होने जा रहा है। 31 की बात करेंगे और 51 की बात करेंगे, ये मोबाइल इंडिया से बाहर जो लॉन्च हुए थे एक काफ़ी अच्छे ये कहें कि प्राइस के साथ लॉन्च हुए थे, पर इंडिया के अंदर ये जो लॉन्चिंग हो रही है इन मोबाइलों की बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो कि 100% कंफर्मेशन है कि 30-40% डाउन प्राइस के साथ लॉन्च हो रही है और ये एडवांस वर्जन के साथ भी लॉन्च हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी अदर कंट्री में जो मोबाइल लॉन्च हुए मोटोरोला की स्पेशली बात करो तो इसमें काफ़ी एडवांस वर्जन नहीं था मोबाइलों के अंदर। जैसे बहुत सी जगहों पे चार्जर नॉर्मल दिया गया जो कि इंडिया के अंदर अगर ये लॉन्च हो रहे हैं यानी होने वाले हैं तो इंडिया के अंदर USB पोर्टल पे चार्जर दिए जा रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स थे जैसे कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन के साथ लॉन्च होंगे तो वहाँ अलग किसी सॉफ्टवेयर या प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली आज जो मैं मोबाइल लेके आया हूँ मैंने रिपीट कर देता हूँ दोबारा, मोटो G71 है, इसका प्राइस भी मैं आपको लास्ट में ओपन करने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये जो मोबाइल है बेसिकली इस मोबाइल की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस तरीके से कुछ इंटरफेस है मोबाइल का जो कि मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इवन आप ये बोलोगे हर वीडियो में ये बोलते हैं मोबाइल के इंटरफेस, क्योंकि मोबाइल के मैं उसी मोबाइलों पे स्पेशली वीडियो क्रिएट करता हूँ जो मोबाइल मेरे को एक्चुअल में लगते हैं अफोर्डेबल है यानी बजट के अकॉर्डिंग है, हर इंसान इसे बाय कर सकता है और एक ब्रांडेड है, यानी ब्रांडेड इन द सेंस का मतलब यह है कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, प्रोडक्ट की लाइफ यानी इवन ये बात करें तो हमारे मोबाइल की लाइफ ज़्यादा है। बेसिकली जो मोटोरोला G75G मोबाइल है ये अच्छे प्राइस के साथ और ये कब लॉन्च हो रहा है इसे मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशन पे एक बार नज़र मार लेते हैं। ये जो मोबाइल है आपका V11 के साथ लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पे V11 के साथ होगा, या परफॉर्मेंस की बात कर लें या आप हम यहाँ पर तो ये स्नैपड्रैगन 695 के साथ लॉन्च होने वाला है जो कि एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इवन मैंने हर वीडियो में बताया है कि स्नैपड्रैगन के जितने भी वर्जन आज की डेट में आ रहे हैं प्राइवेट एंड सिक्योरिटी के मामले में नंबर वन चल रहे हैं। गाइज बात करेंगे साथ के साथ इसके दो ऑप्टा कोर के साथ ये रिलीज होने वाला है मोबाइल, प्लस इसके साथ आपको हेक्सा कोर भी मिलने वाला है जो कि प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से। 6GB रैम के साथ ये मार्केट में लॉन्च होने वाला है लेकिन अदर कंट्री में जहाँ पे ये पहले लॉन्च हुआ है वहाँ पे इवन यूँ कहें कि 4GB रैम के साथ ही ये मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्हें पता है मार्केट बेस बहुत ज़्यादा हो गया तो मोबाइलों के अंदर ये काफ़ी कुछ नया या यूँ कहें कि यूनिक चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डिस्प्ले के अंदर अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करेंगे तो इसकी डिस्प्ले जो है 6.54 इंचेस की जो होने वाली है जो कि 16.36 सेंटीमीटर की होती है, 26 सेंटीमीटर की अमोलेड डिस्प्ले के साथ ये मार्केट में आने वाला है, जबकि बात करेंगे आप अदर कंट्री की तो वहाँ पे एक नॉर्मल साइज में ये लॉन्च हुआ है मोबाइल। कैमरे की बात करेंगे तो ओवरऑल इस मोबाइल के अंदर आपको 4 कैमरे मिलने वाले हैं, यहाँ पर जो मैन कैमरा इस मोबाइल के अंदर मिलेगा आपको वो 50MP का होगा जबकि अगर आप अदर कंट्री में ये जो लॉन्च हुआ है तो वहाँ 40 या 45 के अराउंड में जाके इसका कैमरा लॉन्च हुआ गाइस। ओवरऑल हम कैमरे की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 50MP का कैमरा मिलेगा जो कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा होगा, 6MP का कैमरा मिलने वाला है इसमें आपको
सॉरी 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा ये भी, एंड 2 MP का आपका माइक्रो कैमरा होगा, यानी कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं बैक साइड से तीनों कैमरे आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे एच डी फ्लैश यानी स्क्रीन जो लाइट होती है एलईडी फ्लैश वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस मोबाइल के अंदर, एंड फ्रंट का कैमरा 16 MP के साथ होने वाला है। तो यार ये कुछ ना है, मोटो हमेशा जब भी मोबाइल ला रहा है या यूके जितनी भी कंपनियां आज के डेट में इंडिया के अंदर मोबाइल लॉन्च कर रही है तो कुछ ना कुछ यूनिक चीजों के साथ ही यूज करें। फुल HD होगा, 30 FPS पे आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कि आपका इंटरनेट की स्पीड क्या है गाइस। 5000 mAh इसकी बैटरी मिलने वाली है यहाँ पे, तो बैटरी के लिए भी प्लस पॉइंट हो गया आपका भाई। 33 वॉट का चार्जर मिलने वाला है, जबकि 31 और 51 में जो मिला था चार्जर वो 30 के आसपास का चार्जर था। USB पोर्टल के साथ जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, USB पोर्टल के साथ यहाँ पे आपको भी मिलने वाला है। डुअल सिम आप इसमें इजीली यूज कर पाएंगे, काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है डुअल सिम नहीं यूज कर पाएंगे, तो यूज कर पाएंगे आप इसके अंदर। 128 GB इंटरनल स्टोरेज होगी, मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। वाटर रेजिस्टेंस एंड डस्ट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि अगर डस्ट भी आ जाएगी तो भी आप साफ कर सकते हैं, वाटर में पानी भी गिर जाएगा तो इवन ये मोबाइल खुद पानी में भी गिर जाएगा तो भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं गाइस, दिक्कत वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। ओवरऑल बात करेंगे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि काफी सारे ऐसे मोबाइल जो कि अदर कंट्री में अगर लॉन्च हो रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो 10 रुपए पर लॉन्च हो रहे थे इंडिया के अंदर, 7 रुपए या 6 रुपए पर लॉन्च हो रहे हैं, ठीक उन्हीं में से एक ये भी मोबाइल है मोटो का G71 5G मोबाइल है जो कि लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर। अदर वेबसाइटों पे बात करेंगे या अदर कंट्री में ये मोबाइल जो रिलीज हुआ है तो 23,000 के आसपास, 22 से 23,000 के अप्रोक्स ये हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है मेरे हिसाब से कंपनियों ने जो लिस्टेड करा है वो 21,000 रुपए के आसपास करा है, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि कंपनियों की तरफ से लीक हो चुकी हैं, ये मोबाइल आपको 17,999 रुपए में अवेलेबल होने वाला है गाइस। तो 17,999 रुपये में अगर ये आपको डील मिलती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है और आपको बाय करना चाहिए मोटो G71। इवन अगर आप इस मोबाइल में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे तो मोबाइल आप में इंटरेस्ट लेगा, मोबाइल काफी अच्छा है क्योंकि मोटोरोला के ब्रांडेड मोबाइल है पहली चीज तो ये है, और चलते भी हैं काफी हैं, इजिली डाउन नहीं होते, जैसे कि सैमसंग हो गया आपका, मार्केट के मामले में उससे अच्छे पकड़ आज की डेट में किसी की नहीं है सैमसंग, प्लस बैटरी के मामले में नोकिया तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट गाइस। तो मोटोरोला G71 पे बेसिकली ये की स्पेसिफिकेशन था जिसका प्राइस एंड सब कुछ मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। जब भी अगर आप इस मोबाइल को लेने का प्लान करें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि लॉन्चिंग डेट इसकी कहाँ गई, तो लॉन्चिंग जो डेट है इसकी इवन ये 2022 में स्टार्टिंग में जैन के मिड में आपको इजिली अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 17 जैन है, लेकिन हम इसके ओवरऑल काउंट करके चलते हैं तो 10 दिन इसके लेके चलते हैं हम स्टार्टिंग के, यानी 10 से 20 तारीख के बीच ये मोबाइल आपको कभी मार्केट में इजिली आपको अवेलेबल होने वाला है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को तुरंत ही लाइक कीजिएगा। अपने सुझाव अगर आप देना चाहते हैं कि वीडियो के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है और मैं अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो गाइस प्लीज कमेंट में जरूर आप शेयर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखें आप अपना अपनी फैमिली का, एंड मास्क और सैनिटाइजर यूज करना ना भूलिएगा।